नमस्ते, स्वागत है आपका इस विज्ञान भरत तंत्र के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विधि की जिसको जो है हम एक सीक्रेट टेक्निक कहते हैं, यानी गुप्त विधि। ये गुप्त विधि वो है जब शिष्य जो है तैयार हो जाता है तो गुरु जो है उसको वो विधि देता है। विधि का सूत्र है कि इतने ध्यान से सुनो कि पलक भी ना झपके और सत्य का जो है जन्म तुम्हारे भीतर हो जाए। तंत्र के संसार में जब गुरु देखता है कि शिष्य जो है तैयार है तो वो शिष्य को जो है मंत्र देना चाहता है, या फिर उसको कुछ एक या दो शब्द जो है उसके कान में फुसफुसाना चाहता है। ये एक या दो शब्द जो है जैसे ही उसके कान में फुसफुसाए जाते हैं तो एक सीड रूप में होते हैं, एक बीज रूप में होते हैं, जो कि उसके भीतर जो है एक एक्सप्लोजन का काम कर सकते हैं, जो कि उसको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये घटता तभी है जब शिष्य तैयार होता है और गुरु इसके लिए जो है इंतज़ार करता है। इसलिए जब स्थिति बन जाती है, जब शिष्य तैयार हो जाता है, तो गुरु जो है शिष्य को जो है अपने पास बुलाता है और उसके कान में जो है कुछ फुसफुसाता है। और ये जो फुसफुसाना, वो जो उसको बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है शिष्य के लिए होता है। शिष्य इस शब्द को जो है किसी को नहीं बोल सकता, बल्कि शिष्य जो है इस शब्द को भीतर सोच भी नहीं सकता। वो एक बीज रूप में जो है अपने भीतर उसको जो है स्वीकार कर लेता है कि कुछ ऐसा जो आपको आपके मन से मुक्त करेगा। एक तरह से अगर हम इसको जो है कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो एक आपके जो सिस्टम में जो है एक एंटीवायरस जो है डाल दिया जाता है, और वो ऐसे डाला जाता है कि वायरस को खबर नहीं पड़ती, आपको उससे मुक्त कर देता है। तो जब ये विधि जो है आपको दी जा रही है, तब एक स्टिलनेस जो है आपके भीतर होनी चाहिए कि उस वक्त जो है किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट जो है आपके भीतर ना घटे, पलक भी ना झपके। क्योंकि अगर किसी भी तरह की जो है मूवमेंट नहीं हो रही है तो उस मोमेंट के अंदर जो है मन जो है एक स्थिरता की स्थिति में है। उस स्थिरता की स्थिति में जो है आपके ऊपर काम किया जा सकता है, आपके भीतर जो है वो बीज जो है बोया जा सकता है। भगवान शिव बोलते हैं जैसे ही वो आपके भीतर जो है वो एक या दो शब्द की जो फुसफुसाहट जैसे ही आपके कान में पड़ती है कि आप एकदम से जो है मुक्ति का अनुभव करते हैं, कि आप मुक्त हो जाते हैं, कि आपको उस वक्त सोचना नहीं पड़ता, उस वक्त विचार नहीं होता और उस वक्त जो है मुक्ति घट जाती है। हम अपने भीतर जो है प्रभु को जो है स्वीकार करने के लिए जो है वेट कर रहे हैं, कि हमारे भीतर जो है एक ऐसा गर्भ है जिसमें जो है प्रभु को जो है बीज रूप में जो है जगह दी जा सकती है, और उसी से जो है वो प्रभु का जो है जन्म होना शुरू होता है। वही बीज जो है वृक्ष बनता है और एक दिन जो है आपका जो असली रूप है वो प्रकट होता है। गुरु लिंची के जीवन में एक कथा है कि वो बताते हैं कि वो बुद्धत्व को कैसे प्राप्त हुए। जब वो अपने गुरु के साथ थे तो उनका टोटल काम ये होता था, वो सिर्फ गुरु का जो है इंतज़ार करते थे, गुरु की एक झलक का। वो बताते हैं 6 साल लगे बुद्धत्व की स्थिति में पहुंचने में। पहले 2 वर्ष जब वो गुरु का इंतज़ार करते थे तो 2 वर्षों बाद जो है गुरु जो है अपने कमरे से बाहर आए, तो उनकी एक झलक देखना वही उनके लिए काफ़ी था। और उस वक्त जो था कि गुरु ने सिर्फ एक नज़र उनकी तरफ दी थी, बस और कुछ नहीं, कि उन्होंने लिंची को सिर्फ देखा था। ये थी पहली नज़र उन 2 वर्षों के अंदर। उसके बाद फिर 2 वर्ष बीत गए और फिर उन 2 वर्षों बाद जो है फिर से गुरु जो है जब अपने कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने लिंची को जो है सर पे हाथ लगाया। ये था दूसरी बार इनकाउंटर गुरु के साथ। फिर 2 वर्ष और बीते, गुरु जो है अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्होंने लिंची को देखा और वो जोर के हंसे, और उस हंसने में एकदम से जो है चीजें बदल गई, जैसे कि लिंची जैसे जो है एकदम से जाग गया। क्या हुआ उस मोमेंट में? उस मोमेंट में वो जो एक या दो शब्द की जो फुसफुसाहट थी वो घट गया। उस वक्त जो है गुरु ने जो है अपनी हंसी से जो है लिंची को जो है जगा दिया,
और लिंची ने जो है प्रणाम किया और वो अपने रास्ते लग गया, क्योंकि अब वो मुक्त हो गया था। अब बुद्धत्व की घटना जो है उसके भीतर घट गई थी। तो गुरु कैसे जगाएगा, किस तरह से आपके पास आएगा, कुछ नहीं पता। क्या क्या शब्द बोले जाएंगे आपके कान में, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपको अपनी तरफ से जो है तैयार रहना है। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है समझना, आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि आपके पास गुरु नहीं है, आपके कान में कौन फुसफुसाएगा, कौन लिंची के गुरु की तरह आपको जो है जगाएगा। ये सब सवाल आपके भीतर उठ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि जब आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो आप उन गुरुओं के संपर्क में ऑलरेडी जो है आ रखे हैं, कि इन मास्टर्स की, इन गुरुओं की ब्लेसिंग्स के कारण ही जो है आप इस मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं तो बहुत आसान है संसार में जो है भटक जाना। अगर आप संसार को छोड़ के जो है अपने भीतर जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने भीतर ब्लेस्ड हैं कि आपको ये ब्लेसिंग मिली हुई है। और उस ब्लेसिंग में जो है जब आप तैयार होते हैं, कि जब आपको वो मंत्र देना है, कि जब आपके कान में कुछ फुसफुसाना है, कि आपको जगाना है, तो गुरु जो है प्रकट होता है। कैसे प्रकट होगा, किस रूप में प्रकट होगा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जिस दिन आप तैयार होते हैं उस दिन जो है गुरु ज़रूर आता है, गुरु प्रकट होता है। रहस्य यही, मौन में गुरु उपदेश सुनाते, आंखें खुली पलके न मूंद मुक्ति को पाते। शब्दों की नहीं ज़रूरत, हंसी ज्ञान का वाहन, लिंची ने समझा अहम से वह मुक्ति का आगमन। मन शांत विचार नहीं खालीपन की ये बात, मौन से जगे प्रज्ञा गुरु के मौन की सौगात। तो अगर आप तैयार हैं, भगवान शिव बोलते हैं कि गुरु जो है आपके लिए आता है और आपके कान में वो फुसफुसाता है और आपको मुक्त कर जाता है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।